मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में मिलकर कोरोना से मुकाबला करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी जो बहुत उपयोगी रही। कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल हुए। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 39,000 हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आपके नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना के 39,000 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घोषित कदमों को देखते हुए फिलहाल बाजार को खोलने का फैसला किया गया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि अगर कोरोना के कारण किसी बाजार में कोई चिंताजनक स्थिति बनती है तो ऑड इवन व्यवस्था अथवा सप्ताह में 4 दिन बाजार खोलने और 3 दिन बाजार बंद करने या 1 दिन छोड़कर दुकान खोलने के बारे में स्थानीय व्यापारी निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। पेश है 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। झारखंड के धनबाद में 14 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। जी हां, धनबाद के इस अस्पताल में अब किसी को कोरोना नहीं है। रामनगरी अयोध्या के समाज सेवी नवाब सिंह ने अपने आवास पर हवन पूजन किया। उन्होंने बताया कि इस हवन का मकसद निजी स्कूलों को संचालकों की सद्बुद्धि के लिए किया गया है। कहते हैं कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। ये जो आज हमने शुद्धि बुद्धि का जो यज्ञ रखा है वो फैजाबाद शहर के उन शिक्षा के माफियाओं, मठाधीशों के लिए है जिनके लिए समाज में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोरोना के लिए वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक और दुनिया के वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ हम मिलजुल कर कोरोना से मुकाबला करेंगे। बहनों और भाइयों, ये संकट अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहां कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन ढूंढने की कोशिश बहुत तेजी से चल रही है, हमारे वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, दुनिया के भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्दी हमको वैक्सीन उपलब्ध होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को बेहाल नहीं छोड़ेगी। देखिए, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज दिल्ली को लेकर एक बड़ी बैठक की है जिसमें हर्षवर्धन जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित महत्वपूर्ण लोग उसमें उपस्थित थे और दिल्ली में जो वार अगेंस्ट कोरोना है उसको और मजबूती से लड़ना है। केंद्र सरकार ने रेलवे का कोच उपलब्ध कराने की बात कही है, उसके बेड उपलब्ध कराने की बात कही है, एम्स के डॉक्टर के नेतृत्व में और एक डॉक्टर की एक्सपर्ट की टीम भी बनेगी और दिल्ली में कोरोना की लड़ाई में पूरी मजबूती से केंद्र साथ में खड़ा है। जो टेस्टिंग भी हो रही थी, पहले ज्यादा हो रही थी, बीच में कम हो गई थी, अब यह हुआ कि टेस्टिंग को दुगुना और तीनगुना किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग करके इसको पूरी तरह मॉनिटर करेगी और जितना सहयोग हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को इस तरह बेहाल छोड़ा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस इस संकट के दौर में भी दिन रात जनसेवा में जुटी है। चाहे बॉर्डर हो या क्वारंटाइन सेंटर या कंटेनमेंट जोन, सभी जगह पर प्रॉपर निगरानी चुनौती भरे कार्य को पुलिस ने स्वीकारा है। सभी उच्च अधिकारी भी पुलिस कर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जनसेवा के कार्य में जुटे हैं। देखिए, ये जनसेवा का कार्य है और बॉर्डर पर हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे कंटेनमेंट जोन हो, प्रॉपर उनकी निगरानी
ये पुलिस के लिए एक चुनौती है और ऐसी चुनौती है पुलिस को स्वीकार है। हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक के ग्राम सराय में पानी की कमी से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। हमारे गांव में पानी नहीं बिल्कुल आ रहा है, 15 से 20 दिन हो गए। गर्मी का मौसम है, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, हमारी माँ बहनें, बहुत ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमें पानी नहीं आता, बहुत दिक्कत है, 15 दिन से 20 दिन से पानी नहीं दिखता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि जब तक कोरोना है तब तक सेवा ही संगठन है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं इस COVID-19 के महामारी में इस संक्रमण से जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों में यह दुख देखने को मिला है उनको संबल मिले, उनको ताकत मिले इस दुख को सहने की, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।